मंच पर आकर के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे। जनता जानती है इनके चेहरे को, जानती है चाल को, जानती है इनके चरित्र को, जानती है और इनके भविष्य को प्रश्न लगाना भी जानती है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार आई, जब से आई लव जिहादियों की संख्या बढ़ी, झारखंडी बच्चियों के साथ लोभ देकर के, शादी का प्रलोभन देकर के धर्मांतरण की के बारे में लगातार घटनाएं घट रही हैं, उतना ही नहीं। झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान की मुलाकात पर गरबाई सियासत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने साधा जमकर निशाना, कहा तीनों भ्रष्टाचारी एक मंच पर मिल रहे हैं, ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के कर्म भूमि में तीन ऐसे सरकार के मुख्यमंत्रियों का संगम हुआ, मिलन हुआ, अपवित्र गठबंधन का प्रतीक बना और उन पर आरोप है, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप है शराब घोटाले। वही दीपक प्रकाश ने झारखंड में लव जिहाद को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर बरसे, कहा भोली भाली बच्चियों को शादी का लोभ देकर धर्मांतरण की घटनाएं लगातार घट रही हैं, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार आई, जब से आई लव जिहादियों की संख्या बढ़ी है, भोली भाली बच्चियों को, आदिवासी झारखंडी बच्चियों के साथ लोभ दे करके, शादी का प्रलोभन दे करके धर्मांतरण की के बारे में लगातार घटनाएं घट रही हैं, उतना ही नहीं, कह बच्चियों के साथ तो लव के साथ धर्मांतरण करने का काम, और धर्मांतरण नहीं होने पर उनको मौत की नींद सुलाने का काम राज्य की सरकार के संरक्षण में हो रहा है। मैं इसलिए आरोप लगाता हूँ राजनीतिक संरक्षण का, दम है मुख्यमंत्री में, मुख्यमंत्री में थोड़ी नैतिकता है, थोड़ा भी अगर उनको राज धर्म निर्वाह करना है तो लव जिहाद के जितने मामले हैं उन मामलों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक पर मुकदमे दायर होकर के और जल्द से जल्द उन बच्चियों के साथ, उन परिवारों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने का काम राज्य की सरकार को करना चाहिए। लेकिन लगातार लव जिहाद के घटना घट रही है, बच्चियों की मौतें हो रही हैं, जमीनों का हस्तांतरण हो रहा है और संथाल परगना में तो डेमोग्राफी भी चेंज हो गया। ऐसे परिस्थिति में राज्य की सरकार की मंशा ठीक नहीं है, और मंशा अगर रहती ठीक रहती तो ये फास्ट ट्रैक पर मुकदमे करके अपराधियों को कठोर से कर। बता दें कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ हेमंत सोरेन से मिले अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान, इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केजरीवाल का पूरा समर्थन किया, कहा है कि वर्तमान में केंद्र द्वारा जनता की चुनी सरकार को कुचलने का काम किया गया है, इस सरकार के कार्य बिल्कुल विपरीत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।